इस बीच हमारी टीम एक जानकारी दे रही है कि बीजेपी अपने दम पर अभी जो है वो बहुमत के आंकड़े से लगातार पीछे होती जा रही है। तो यहाँ पर एनडीए जरूर 289 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी अपने दम पर शायद 230 पर है, 38 सीट पीछे है बहुमत के आंकड़े, 272 से भी बीजेपी 38 सीट पीछे है। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी पाएंगे? अभी तो इसी पर सवाल खड़ा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रजत जी को कुछ लाखों का इनाम कुछ पैनलिस्ट के लिए भी अनाउंस करना चाहिए जो ऐसा कह रहे थे। और रजत सर, यहाँ पर देखा जाए कि जो बिग ब्रदर की भूमिका में बीजेपी कई राज्यों में आ गई थी, लेकिन अब लग रहा है कि महाराष्ट्र की बात कर लें हम, बिहार की बात कर लें तो अब, और आंध्र प्रदेश में तो जाहिर सी बात है टीडीपी के सहारे ही थी, लेकिन अब जो है वहां पर बीजेपी को पर्सनल लेवल पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, अभी 233 पर, अब नंबर टू पार्टी 91 पर है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी की इमेज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी की इमेज इनविंसिबल है, वो अपने दम पर बीजेपी को 300 पार करा दे, ये सबकी अपेक्षा थी। अगर उस नंबर से दूर रहते हैं, 272 के आंकड़े से दूर रहते हैं, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की बात होगी। जब बीजेपी की टैली डाउन हो रही है, बिहार में आप देखिए जेडीयू बीजेपी से आगे निकल गई है, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। सब कह रहे थे कि जेडीयू बिहार में नुकसान होगा तो जेडीयू के कोटे से होगा, लेकिन वहां जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेटर लग रहा है, और ऐसा अभी लग नहीं रहा कि बीजेपी 270 पहुंच रही है। आप देखिए 233 पर है, बहुत सारे स्टेट्स में बीजेपी को बड़ा लॉस है। अगर ये ट्रेंड रहे तो जेडीयू रहेगी कहां चुनाव के बाद, यही नहीं बता सकता कोई। या कौन कौन नहीं, इस बार उन्होंने कहा था पक्के वाले आ गए हैं, लेकिन जो बात संजीव जी कह रहे थे, और कौन कौन किधर आ जाएगा ये भी नहीं पता लगता है। और ये तो सुधांशु आपको तो मालूम है, आप पुराने खिलाड़ी हो भाई। सर, टक्कर तो कांग्रेस ने दे दी इस बार 92 सीटों पर, मित्तल साहब 92, ऑलमोस्ट डबल के करीब जो है कांग्रेस पार्टी पहुंच रही है। हाँ, वाकई अगर जो है तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस का फायदा इन चुनावों में दिख रहा है, उसमें तो राहुल की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, बेरोजगारी और अग्निवीर स्कीम, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं वोटर कनेक्ट करने में कामयाब हुई। अभी भी इनका विश्लेषण जो है ना किसी एक चीज पे जंप करना मुझे लगता है अतिशोक्ति। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, जनादेश दिया अगर यही ट्रेंड, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी भले ही हो, लेकिन आप भी तो देखिए 6 सीटों पर महाराष्ट्र में देखिए, सुधांशु जी कोई शुरुआती विश्लेषण का मुहूर्त तो डिसाइड कर लो कितने। सुधांशु जी एक बार बस ये देख ले, 42 सीटों वाला राज्य जहां तृणमूल 25 सीटों पर आगे ट्रेंड कर रही है, बीजेपी 13 पर, कांग्रेस पार्टी 2 पर, पश्चिम बंगाल ने वाकई में हैरान किया थोड़ी देर पहले। सुधांशु जी त्रिवेदी साहब भी यही कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल ने हैरान किया, ये कम से कम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन सीधा लॉस दिखाई, अब इम्प्रूवमेंट हुई है। तो शायद जो बात हम कह रहे थे ईवीएम की, अभी दो ही राउंड की वोटिंग जो है वो काउंट हुई है, क्योंकि अब देखिए पहले 3 और 5 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, अब ये 13, लेकिन 18 से 13 तो कम है सुधांशु जी। नहीं, वाकई कम है, क्योंकि यहाँ उम्मीद ये थी 18 से 24-25 तक जाएगी, तो नीचे आने की तो संभावना लगी नहीं रही थी, तो इसलिए शुभेंदु अधिकारी भी इस बार कुल 7 थे और 3 सीटें तो कहते हैं वो गारंटीड अपने दम पे लाते हैं। हर एक को लगता था, हर एक को लगता था कि वहां का जो माहौल है उसमें भाजपा जो है 18 से आगे जाएगी, अब 18 से कम आना स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा झटका है। समीर जी बाहर से आए बड़ी देर के बाद, कोई क्या खबर लेके आए समीर? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में तो मतलब अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में तो सुनसान है, बाला साहब ठाकरे के घर मातोश्री में खीरपुड़ी बनना शुरू हो गई है वहाँ पर। अच्छा। और सब कार्यकर्ता को संदेश चला गया है कि खीरपुड़ी खाने आई है, तो वहाँ ढोल लगाने बजने शुरू। थोड़ा जल्दी तो नहीं है समीर जी, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि गिनती जो है वो थोड़ी स्लो चल रही है। नहीं, मुझे लग रहा है कि मतलब उद्धव ठाकरे के लिए मतलब जो उम्मीद की जा रही थी उस हिसाब उनका प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के लिए जरूर सरप्राइज देंगे, कांग्रेस को इतनी उम्मीद नहीं थी कि महाराष्ट्र से इतने दिनों से बनी नहीं है, थोड़ी जल्दी भी बन जाए बाद में, कम से कम पार्टी तो करने दो, रिजल्ट जो भी है। कांग्रेस के लिए जरूर सरप्राइजिंग बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र से चंद्रपुर एक सीट 2019 में कांग्रेस ने विदर्भ से जीती थी, और इस बार भी जो उम्मीद की जा रहे थे कि सिर्फ विदर्भ की एक सीट मिलेगी, क्योंकि गडकरी जी का भी बयान आया था कि हम कांग्रेस को सिर्फ चंद्रपुर सीट में मांग रहे हैं फाइट के अंदर, देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बयान दिया था। मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री न बनाना का भी एक नुकसान मुझे लगता है पार्टी को उठाना पड़ा है, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, उसके बाद जब शिवसेना को लेकर आया एकनाथ शिंदे को,
तो 40 विधायक के पार्टी को आप सीधे मुख्यमंत्री बना रहे हो, 40 से अजित पवार आ रहे हैं उसको आप उपमुख्यमंत्री बना रहे हो, देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल बहुत बेहतर काम किया, लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहा है, उसे आप सीधे उपमुख्यमंत्री बना रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघ के सदस्यों को स्वीकार नहीं किया। जो आपने भी कहा रजत जी पहले, अगर योगी आदित्यनाथ के अतिरिक्त कोई चीफ मिनिस्टर एसेट की तरह बीजेपी में था तो देवेंद्र फडणवीस था, इसमें कोई दोहराने नहीं। लेकिन उसमें आप लोग एक चीज भूल रहे हैं कि विधानसभा में शिवसेना और भाजपा मिलकर चुनाव लड़े और वो जो गठबंधन था उसने स्वीप करा। अब स्वीप करने के बाद ये थोड़ी आप कल्पना करते हैं कि भाई शिवसेना जो है जाके एनसीपी और कांग्रेस के साथ बना। प्रश्न नहीं, देखिए हम बिना परिपेक्ष के अगर विश्लेषण निकालेंगे फायदा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को जब ये लोग बन गए तो क्या करते? देवेंद्र फडणवीस के पास जो है अपने नंबर थोड़ी थे, क्योंकि साथ मिलकर लड़े। गलत हो सर, यहाँ पर पहले 2.5 साल के लिए बना देते ना उद्धव को, कैसे क्यों? पूरे पर्सपेक्टिव नहीं, आप कह रहे बना देते, जिद कर रहे भाई आपका, भी तय था बना दो। देखिए हाइंडसाइट में तो कुछ भी कह दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए अभी कांग्रेस के सपोर्टर बीजेपी के सपोर्टर सब अपने अपने नजरिए से अपने नंबर्स को देख रहे होंगे, लेकिन दोनों ही एक बात जानना चाहते हैं। रजत जी जो आपने कहा था लाखों का इनाम जीतना है इंडिया टीवी, उसके लिए देखते रहना दूसरा है। सवाल एक सवाल तो आपने पूछ लिया था, अब दूसरे सवाल का वक्त हो गया। हमारा कॉन्टेस्ट आज का इंडिया टीवी